Good morning, students. How are you? Fine. Okay, let us start the 5th standard science, chapter number 14, digestion of food. Yesterday, we have started what happens to the food. हमारे भोजन का क्या होता है? पहला नंबर था inside the mouth. Inside the mouth. दूसरा नंबर था आपका inside the stomach. और अब थर्ड नंबर है आपका inside the small intestine. देखिए, पहला हमने इनसाइड द माउथ पढ़ा था. उसके अंदर क्या था कि माउथ के अंदर जो होता है, हम खाना खाते हैं और उसी वक्त में हमारे जो आगे वाले फ्रंट वाले टीथ होते हैं वो भोजन को काटते हैं, और जो बैक साइड वाले होते हैं वो उसको ग्राइंड करते हैं. स्लाइवरी ग्लांस में स्लाइवा डालता है और उसका जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरा आता है आपका स्टमक. स्टमक में हमने क्या बताया था कि एक जो होता है वो मसल्स का बैग होता है. फूड को जो होता है चर्न किया जाता है और मिक्सेस विद द स्लाइवा. कई सारी डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, सॉरी स्लाइवा तो आपका माउथ में होता है, यहाँ पर कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्टमक की दीवारों से सीक्रेट्स होते हैं और इसमें मिक्स होते हैं. अब आता है थर्ड, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि अब स्टमक से निकल के जो आपका खाना होता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है. तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्टमक से खाना क्या होता है, एक लंबी, बहुत लंबी होती है और कॉइल्ड माने जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, उस तरह से मुड़ी हुई होती है गोल गोल. हम पानी का पाइप समेटते हैं, कैसे करते हैं, गोल 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 गोल. तो इसी तरह से तरीके से वो हमारे स्टमक के नीचे बाद में जुड़ी हुई होती है स्टमक से. और यहाँ उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. मोर डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज आर एडेड हियर. यहाँ पर किसमें आया खाना आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में. लीवर और पैनक्रियाज दो आपके हैं डाइजेस्टिव. यहाँ दोनों से क्या होता है, दो ऑर्गन है लिवर और पैनक्रियाज, यहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं. दीज जूसेस मिक्स विद द फूड. और ये जूस क्या करते हैं, फूड के साथ में मिक्स हो जाते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. इसको क्या हो जाता है, सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में बदल देते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस में ख़त्म हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. डाइजेशन का टोटल प्रोसेस ख़त्म हो जाता है. अब नाउ पेज नंबर 124. देखिए, ये आपका है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और आपको इसको ड्रॉ करना है बाकायदा अपनी कॉपी में. ह्यूमन डाइजेस्टिव, अच्छा, द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. पेज नंबर 124 पे आ गए हम लोग, है ना. तो द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में जो ब्लड वेसल्स होती है, एब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड. जितना भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्व कर लेती है, सौंख लेती है. द ब्लड नाउ कैरीज द फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और अब ब्लड क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फूड को ले जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज नॉट एब्जॉर्व्ड गोज इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब देखिए, जो डाइजेस्ट हो गया वो तो किस में चला गया, उसको तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों ने एब्जॉर्व कर लिया और वहाँ से ही ब्लड जो होता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ले गया, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. लेकिन कुछ ऐसा फूड भी तो होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्व नहीं होता है, वो कहाँ जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. फोर्थ नंबर है इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन. इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उससे अगर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो उससे छोटी होती है और चौड़ी होती है. वाइडर माने चौड़ी होती है, पाइप होता है ना, आप समझ लो चौड़ा पाइप और छोटा पाइप. इट एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट एंड कैरीज इट टू द किडनीज.
और इसको क्या करता है, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट। उस वेस्ट जो फूड है उसमें से जितना भी पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे किडनी की तरफ ले जाती है। दिस वाटर फ्रॉम द किडनीज गोज आउट ऑफ द बॉडी एज यूरिन। और ये जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एज अ यूरिन। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन रेक्टम। देखिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें से पानी निकल गया, पानी कहाँ गया, किडनी की तरफ हो गया और किडनी से यूरिन के द्वारा बॉडी के बाहर फेंक दिया गया। अब जो सॉलिड वेस्ट रह गया वो रेक्टम में कलेक्ट होता है। कहाँ पर होता है? रेक्टम में, एंड गोज आउट ऑफ द बॉडी एज स्टूल। और हमारी बॉडी के द्वारा जो होता है स्टूल की तरह से, गंदगी जो हम सुबह सुबह निकालने जाते हैं उसकी तरह से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपका? देखिए, ये आपका पूरा का पूरा दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे आपका माउथ है, टीथ चूजन ग्राइंड द फूड है, यहाँ पे सलाइवा चेंजेस स्टार्च इनटू शुगर। अब ये आपका फूड पाइप है, ये आपका स्टमक है, ये आपको स्टमक दिख रहा है, ये जो इधर दिख रहा है वो लिवर है, ये कॉइल वाली चीज़ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एनएस है, ये पैनक्रियाज आ गया यहाँ पे लीवर के, ये लीवर है ऊपर और नीचे यहाँ पे पैनक्रियाज, ये स्टमक आ गया, स्टमक के नीचे ये पैनक्रियाज है, और यहाँ पर ये चौड़ी वाली जो दिख रही है वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन है, आ गया। सो वी सी दैट द फूड वी ईट चेंजेस इनसाइड द बॉडी। और हमने देखा किस तरह से जो है वी सी दैट द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह से बॉडी में चेंज अंदर चेंज हो जाता है। द कॉम्प्लेक्स फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन इन टू सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेज बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल होता है, वो डिफरेंट तरीके जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं उनके द्वारा सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेज में बदला जाता है और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनस एज स्टूल। और अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट होता है वो स्टूल की तरह एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। व्हेन आवर स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर एम्प्टी, जब हमारा स्टोमक और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं आर एम्प्टी खाली होते हैं, आवर ब्रेन मेक्स अस फील हंग्री, और हमारा दिमाग क्या कहता है कि हमको वो हमको भूख का एहसास कराता है, हमको एहसास होता है कि हम भूखे हैं। सम टाइम कभी कभी व्हेन वी फील वेरी हंग्री वी से, कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, रेड्स आर रनिंग इन आवर स्टमक, यानी कि हमारे पेट में रेड्स आर रनिंग इन आवर स्टमक, यानी हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब भी कई बार कहते हैं ना, मम्मी जल्दी डाल दो ना, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये चूहे ऐसे दौड़ते हैं क्यों? क्योंकि हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, ये क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है और हमारा ब्रेन हमको एहसास कराता है कि और हम क्या महसूस करते हैं कि हम भूखे हैं। बॉडी नीड्स ग्लूकोज, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। चू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप ब्रेड के एक पीस को चबाइए। इट टेस्ट इज स्वीट, ये आपको कैसा दिखता है, एक मिठास आता है इसमें। वाई इट टेस्ट स्वीट, बिकॉज द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द ब्रेड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड माल्टोज। क्या, देखिए ध्यान से समझिए, ये हमको मीठा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा सिक्रीट करती है उसके कारण क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसका ब्रेक डाउन होता है और सिंपल सब्सटेंस में बदल जाता है जिसे बोलते हैं हम माल्टोज। क्या बोलते हैं? माल्टोज। ये होता है माल्टोज, तो माल्टोज के अंदर ये बदल जाता है। माल्टोज चेंज इनटू ग्लूकोज आफ्टर डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद में, आफ्टर डाइजेशन के बाद में ये किस में बदल जाता है, ये ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट, ग्लूकोज क्या होता है, टेस्ट में मीठा होता है, एंड मेक्स द फूड टेस्ट स्वीट, और ये भोजन को मीठा बना देता है। कम टू द पेज नंबर 125, और बॉडी कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एनर्जी, और हमारी बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को एनर्जी में बदलती है। दैट
वी यूज टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, और उस एनर्जी के कारण ही हम बहुत सारी एक्टिविटी जो होती है जैसे खेलना कूदना खाना पीना पढ़ाना पढ़ना, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम उस एनर्जी के कारण ही कर पाते हैं। सो ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, इसीलिए ग्लूकोज क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का एक स्रोत है जिसके द्वारा हमको एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, जब स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, प्लेयर्स आर गिवन अ ग्लास ऑफ ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्विंग वाटर टू गिव देम इंस्टेंट एनर्जी। आपने देखा होगा जब भी आपकी स्पोर्ट्स मीट वगैरह होती है, इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, उस समय में ग्लूकोज के डब्बे रखे जाते हैं और फटाफट एक ग्लास ग्लूकोज बनाया, कई सारे ग्लास ग्लूकोज के तैयार किए जाते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खेलते खेलते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनको इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। When a person is suffering from dehydration or weakness due to illness, stress or surgery, a glucose solution is directly injected the patient's blood through a drip. This is called glucose drip. It gives instant energy to the patient. अब एक बात ध्यान से सुनिए आप, कि जब कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप किसी फैमिली मेम्बर को या पड़ोसी को या कहीं भी कोई काम होता है हॉस्पिटल अचानक ले जाते हैं और वहाँ जाते ही डॉक्टर जो होता है वो को ग्लूकोज लगाता है। ये ग्लूकोज लगाना क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज ड्रिप। और क्या होता है, जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसको सफरिंग कर रहा है, किससे, डिहाइड्रेशन है, पानी उसका कम हो गया है, वीकनेस हो रहा है, किसके कारण, जैसे इलनेस बीमारी के कारण हो गया, कोई स्ट्रेस ले लिया उसने, कई बार बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके धक्का लगता है तो स्ट्रेस ले लिया, या कोई सर्जरी हुई है, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होता है, एक प्लास्टिक बॉटल होती है, देखिए आपकी बुक में भी है, ग्लूकोज की ड्रिप चल रही है इसको पेशेंट को, तो इस तरह से ग्लूकोज का सॉल्यूशन क्या करता है, एक ड्रिप में डाल दिया जाता है, प्लास्टिक की बॉटल होती है उसके अंदर डाला जाता है और डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स ब्लड थ्रू अ ड्रिप। उसमें एक इंजेक्शन होता है, उसको अपनी बॉडी में लगा देते हैं या हाथ वगैरह में, तो उससे वो डायरेक्ट जो ग्लूकोज होता है वो आपकी बॉडी में चलता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज ग्रुप ड्रिप, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ड्रिप। इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी टू द पेशेंट, और इसीलिए दिया जाता है ताकि ये पेशेंट को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी दे देता है। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस भी कहिए क्योंकि वाटर और रफेज भी बहुत एसेंशियल आइटम होते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज, एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन सा है आपका, ग्लूकोज पे मार्किंग करिए। तो फर्स्ट वाला था आपका ऑल ऑफ दिस पे मार्किंग हो गया, और सेकेंड वाला जो है आपका ग्लूकोज पे मार्किंग हो गया। अब नेक्स्ट आता है आयरन इन आवर फूड, हमारे भोजन में आयरन, और बॉडी नीड्स आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को आयरन चाहिए, हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए, आयरन चाहिए। क्यों चाहिए, टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर ब्लड। हमारी ब्लड के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए रेड हमको आयरन चाहिए। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स को, हम देखिए हमने सांस ली तो हमारे लंग्स में क्या गई, ऑक्सीजन गई, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर ले जाता है। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए जो आपने खाना खाया था उसको क्या होता है, डाइजेस्टेड होना जरूरी होता है, और डाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए कि उस भोजन को तोड़ना होता है, ब्रेकडाउन करना होता है, और तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन होती है। आज देखिए पहले एक केस नहीं आता था कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, आज कई ऐसे आपको केस मिलेंगे जहां पर बॉडी में उसकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो क्यों कमी हो रही है, आज हम गहरी सांस ही नहीं लेते, एक्सरसाइज ही नहीं करते। एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है कि आपने बहुत गहरी सांस ली, उसके अंदर हाँफ जाते हैं ना कई बार आप एक्सरसाइज करके, तो बहुत गहरी सांस ली मतलब बहुत उतना ही ऑक्सीजन आपके अंदर गया, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी तो चाहिए। आपने खाना खाया वो बेकार है अगर आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उस फूड को तोड़ देगी, है ना, और उसको जब फूड को वो तोड़ेगी ऑक्सीजन से, डाइजेस्टेड फूड से, तभी तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। चिल्ड्रंस ऑफ द एज ग्रुप, यानी कि 2 से लेकर 11 ईयर्स तक के, नीड 13 से 15 मिलीग्राम एंड आयरन डेली।
जो ऐसे बच्चे जो कि छोटे बच्चे हैं यानी कि 2 से 11 साल के एज के बीच में आते हैं, उनको डेली में कम 13 से 15 ग्राम यानी 13 to 15 mg नहीं है मिलीग्राम है आयरन डेली चाहिए। एडल्ट्स नीड अराउंड 90 to 20 mg आयरन डेली, और जो एडल्ट्स होते हैं पूरे मतलब बड़े जो हो गए हैं उनको क्या चाहिए 19 से 20 mg आयरन डेली चाहिए। वी गेट आयरन बाय ईटिंग आयरन रिच फूड। हमको आयरन कहाँ से मिलता है? आयरन रिच फूड से मिलता है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनेच एंड ब्रोकली। तो आयरन किस किस में होता है? देखिए डार्क ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनेच पालक दिख रहा है, ब्रोकली है। सेकेंड आता है बीन्स इंक्लूडिंग सोयाबीन एंड किडनी बीन्स। जो बीन्स होती हैं फलियाँ जिसको कहते हैं जैसे सोयाबीन है, और किडनी बीन्स क्या होते हैं बोलो बोलो? राजमा, तो उससे मिलते हैं। थर्ड नंबर आता है ब्रेकफास्ट सीरियल्स फोर्टिफाइड यानी कोएटेड विथ आयरन। ब्रेकफास्ट सीरियल्स फोर्टिफाइड कोएटेड विथ आयरन आयरन। तो ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो होते ब्रेकफास्ट के अंदर दालें वगैरह जो होती है ना, हाँ, फोर्टिफाइड कोएटेड विथ आयरन जिसके अंदर की आयरन काफ़ी अच्छा होता है। मीट एंड सी फूड मांस और समुद्री भोजन। लेंटिल्स एंड पी, लेंटिल्स क्या होता है? मसूर होते हैं, मसूर की दाल होती है। पी माने मटर होते हैं। नट्स, नट्स जितने भी अब बादाम काजू पिस्ते ये सब चीज़ें आती है दे आर नोन एज द नट्स। जगरी, जगरी क्या होता है? गुड़ होता है, गुड़ में भी बहुत अच्छा आयरन होता है। ड्राइड एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट माने एप्रिकॉट अखरोट, और रेजिन्स, रेजिन्स माने किशमिश होती है आपकी, और डेट्स माने खजूर होते हैं। ठीक है, अब आयरन डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? एनीमिया। व्हेन वी डू नॉट टेक इनफ आयरन इन द डाइट इट लीड्स टू एन आयरन डेफिशिएंसी डिजीज कॉल्ड एनीमिया। जब हम अपनी डाइट के अंदर पूरी तरह से आयरन नहीं लेते हैं, मतलब जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी आयरन अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फाइनली क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं हम लोग? एनीमिया कहते हैं। तो सिम्टम्स क्या है एनीमिया के? अ पर्सन विथ आयरन डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सिम्टम्स। पेज नंबर आ जाइए आप 126 पे। एक्सट्रीम टायर्डनेस नंबर 1, लेस ऑक्सीजन रीचेज द बॉडी सेल। सबसे ज़्यादा क्या हो गया? बहुत ज़्यादा उसको थकान रहेगी। लेस ऑक्सीजन रीचेज द बॉडी सेल, मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी की जो सेल्स होती है उसके अंदर ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी थे, यहाँ पर बॉडी की सेल्स में बहुत कम ऑक्सीजन जाती है। इट लीड्स टू रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और उसके कारण एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, एनर्जी बनती नहीं है। तो आपको कहता है दस वी फील टायर्ड। तो लेस आयरन इन द बॉडी, उसके कारण क्या हो गया? एनीमिया। लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल, बॉडी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेस एनर्जी प्रोड्यूस, ऑक्सीजन की कमी हुई तो एनर्जी कम हो गई, और उसके कारण क्या हो गया? एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया। तो आगे मैं आपको इसको करके बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। सबसे पहला क्या हुआ आपका? लेस आयरन इन बॉडी, लेस आयरन इन बॉडी। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया? आयरन की कमी हो गई, तो इसके कारण क्या हो गया? एनीमिया। एनीमिया हो गया। एनीमिया के कारण क्या हो गया? लेस हीमोग्लोबिन इन ब्लड। इसको मैं यूं कर देती हूँ, लेस हीमोग्लोबिन इन ब्लड। अब अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आगे क्या हो जाएगा? लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल।
ये बॉडी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई आपके, और जब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी होता लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सट्रीम टायर्डनेस। एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट। लेस एनर्जी, लेस आयरन इन द बॉडी, बॉडी में आयरन की कमी, एनीमिया हो गया। एनीमिया के अंदर क्या होगा, लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, इसका मतलब लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल, बॉडी सेल में ऑक्सीजन की कमी है। लेस एनर्जी प्रोड्यूस, ऑक्सीजन की कमी है तो एनर्जी भी कम होगी, कम प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी अगर प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमको क्या लगेगा, एनर्जी नहीं है, मतलब हम थक गए। दूसरा है एक्सट्रीम वीकनेस, थके हुए बहुत ज़्यादा है तो कमज़ोरी आनी है, तो एक्सट्रीम वीकनेस। नंबर थ्री है डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग इन स्टडी एंड वर्क, यानी कि किसी भी पढ़ाई को करने में या किसी काम को करने में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसको ध्यान लगाने में हमको बड़ी दिक्कत आएगी, चार बार पढ़ते रहेंगे समझ में नहीं आएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर केस और डूइंग हार्ड वर्क, जब भी आप कभी हार्ड वर्क कर रहे हैं या आप स्टेयर केस मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ सांसें आपकी बड़ी छोटी छोटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब थक से जाएंगे आप, कम सांस ले पाएंगे, जैसे नॉर्मल ले पा रहे हैं वैसे नहीं होता है। जैसे देखा नहीं आपने कई बार जो होते हैं बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो हांफने लग जाते हैं, तो दैट इज़ द फाइव। नंबर आता है हेडेक एंड डिजीनेस, एकदम सिर में दर्द होगा और डिजीनेस माने कि, लेकिन नींद सी आती ना, मतलब सुस्ती सी वाली चीज़। सिक्स नंबर है ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर एंड स्किन, आपकी स्किन और आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे एंड डैमेज हो जाएंगे, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। आप कई बार नहीं कहते बाल टूट रहे, तो भाई वो भी तो इसका एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ओके बेटा, तो आज अपन ने एनीमिया पढ़ लिया, मीट द डॉक्टर, टुमोरो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।